हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है होमवर्क एजुकेशन हब में। ये वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं जीके जीएस से संबंधित प्रश्न उत्तर एमसीक्यू में। जिन लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, किस महाद्वीप को प्यासी भूमि कहा जाता है? ऑप्शन ए एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो आंसर डी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि के नाम से भी जाना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहते हैं। एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है? ऑप्शन यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। तो किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहते हैं? अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहते हैं। नंबर 3, किसे अंध महासागर कहा जाता है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो अंध महासागर का अटलांटिक महासागर को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश कौन सा है? यूएसए, ईरान, इराक, सऊदी अरब। सबसे बड़ा निर्यातक तेल का कौन? सऊदी अरब है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, बुशमैन जनजाति का निवास कहाँ पर स्थित है? तो न्यूजीलैंड है, अमेज़न घाटी है, कालाहारी मरुस्थल है, पाकिस्तान है। तो बुशमैन जनजाति कहाँ पे मिलता है? ऑप्शन सी कालाहारी में। न्यूजीलैंड में माओरी जनजाति मिलता है, माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में मिलता है। अमेज़न नदी घाटी में रेड इंडियन अमेज़न नदी घाटी में जनजाति मिलती है। क्वेश्चन नंबर 6, सार्क देशों में सबसे घना देश कौन सा? बांग्लादेश है। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था ढाका में, लेकिन इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे? काठमांडू बनाया गया, काठमांडू नेपाल में। काठमांडू कहाँ पे? नेपाल में बनाया गया। सार्क में देशों की संख्या कुल कितनी है? 8 है। क्वेश्चन नंबर 7, माओरी कहाँ का मूल निवासी है? जापान, मलेशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो माओरी कहाँ मिलता है? न्यूजीलैंड में। क्वेश्चन नंबर 8, कहवा उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा? कहवा उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा? तो यूएसए है, इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है, श्रीलंका। कहवा उत्पादन में अग्रणी देश है ना, वो ब्राज़ील है। और भारत में कहवा उत्पादन में कर्नाटका अग्रणी राज्य है। क्वेश्चन नंबर 9, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? सूर्योदय का देश जापान को कहते हैं। डूबते हुए सूर्योदय का देश इंग्लैंड को कहते हैं। मध्यरात्रि का सूर्योदय का देश नॉर्वे को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सार्गेसो सागर किस महासागर में स्थित है? सार्गेसो सागर किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो सार्गेसो सागर किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में स्थित है। अंटार्कटिका महासागर को एस आकार का महासागर भी कहते हैं, एस आकार का महासागर भी कहते हैं। इसे ही अंध महासागर भी कहते हैं। नंबर 11, कांगो नदी किस रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी कर्क रेखा को, मकर रेखा को, विषुवत रेखा को, अंटार्कटिका को। तो कांगो नदी है ना, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी की लंबाई कितनी है? 4700 किलोमीटर है। कांगो नदी की लंबाई कितना? 4700 किलोमीटर का। क्वेश्चन नंबर 12, सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश कौन सा है? ऑप्शन भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया। सबसे ज़्यादा मुसलमान की संख्या इंडोनेशिया में है। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सा? मंदारिन। सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाने वाली है। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व में जूट के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? म्यांमार, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान। भारत सबसे अग्रणी देश है जूट उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व का एकमात्र महाद्वीप कौन है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा तथा भूमध्य रेखा तीनों गुजरती है? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप से कर्क, मकर और भूमध्य रेखा तीनों गुजरती है। विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर स्थित है? जैम्बेजी नदी, कांगो नदी। ऑप्शन ए जैम्बेजी नदी सही है। जैम्बेजी नदी पे ही एक करीबा बांध भी बंधा हुआ है, करीबा बांध बंधा हुआ। क्वेश्चन नंबर 17, काला पर्वत कहाँ पर स्थित है? श्रीलंका, भारत, अफगानिस्तान, भूटान। या भूटान में स्थित है।
ब्लैक फॉरेस्ट की बात करें तो ये जर्मनी में स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे? जर्मनी में है। क्वेश्चन नंबर 18, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? रूस है, यूएसए, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया? उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है। क्वेश्चन नंबर 19, मध्यरात्रि का सूर्य का देश किसे कहते कहा जाता है? यह जापान, फ्रांस, नॉर्वे, इंग्लैंड? नॉर्वे को मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन, मसिनराम में, श्रीलंका में? तो मसिनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है, सबसे कम लेह में, लेह लद्दाख में सबसे कम वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 11, श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका? आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 22, यूरोप का गर्म कंबल किसे कहा जाता है? ऑप्शन में गल्फ स्ट्रीम है, ब्राजील का जलधारा है, लेब्राडोर की जलधारा है, वेनेजुएला का जलधारा है? तो यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं, गर्म से गल्फ स्ट्रीम को गर्म का कंबल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कागज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कागज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन में देखते हैं, कनाडा, यूएसए, जापान, नॉर्वे? तो कागज उत्पादन करने में सबसे अग्रणी देश कैसे? कनाडा। कैसे? कागज। ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 24, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा चांदी उत्पादन करने में अग्रणी देश कौन सा है? कनाडा है, मैक्सिको है, ब्राजील है, चाइना है? ऑप्शन बी मैक्सिको सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने में अग्रणी है। चीन की बात करें तो सोना उत्पादन करने में अग्रणी देश है। और साउथ अफ्रीका जो है ना, साउथ अफ्रीका ये हीरा उत्पादन करने में अग्रणी देश है। क्वेश्चन नंबर 25, प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहते हैं? ऑप्शन ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, हवाई द्वीप और जावा? तो ऑप्शन सी हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विश्व प्रसिद्ध घड़ियां कहाँ पर बनाई जाती हैं? विश्व के प्रसिद्ध घड़ियां कहाँ पर बनाई जाती है? ऑप्शन फ्रांस में, इंग्लैंड में, जापान में, स्विट्जरलैंड में? या डी ऑप्शन स्विट्जरलैंड में बनाई जाती है विश्व के सबसे ज़्यादा घड़ियां। क्वेश्चन नंबर 27, मक्का नामक स्थान किस देश में स्थित है? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब? मक्का स्थान जो है ना सऊदी अरब में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28, ब्राज़ील के कहवा बागान को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन फजेंडा, मोरेलैंड, कोको बसेरा? फजेंडा कहते हैं ब्राज़ील में कहवा बागान को। क्वेश्चन नंबर 29, महाद्वीपों का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहते हैं? महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? यूरोप को, अफ्रीका को, अमेरिका को, एशिया को? तो महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विश्व के मानचित्र को सर्वप्रथम किसने बनाया था? ऑप्शन हिकेटियस, एनेक्जिमेंडर, अरस्तु, हेरोडोटस? तो आंसर डी सॉरी बी एनेक्जिमेंडर ने विश्व का प्रथम मानचित्र को बनाए थे। अरस्तु फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, इसे फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं हेरोडोटस को। क्वेश्चन नंबर 31, विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? कनेडी है, न्यूयॉर्क है, पेरिस है, मुंबई? विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा ऑप्शन ए कनेडी है। क्वेश्चन नंबर 32, उत्तरी अमेरिका का शीतोष्ण घास का मैदान क्या कहलाता है? ऑप्शन पंपास, बेल्ट, पेरियरी, सवाना? उत्तरी अमेरिका का शीतोष्ण घास का मैदान को पेरियरी कहते हैं। पंपास कहाँ पे? अर्जेंटीना में। बेल्ट कहाँ? साउथ अफ्रीका में। सवाना भी साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका का घास का मैदान है। क्वेश्चन 33, विश्व का सर्वाधिक व्यस्तम जलमार्ग कौन सा है? उत्तरी अंटार्कटिका जलमार्ग, जवेज नहर, पनामा नहर, किल नहर? तो आंसर ए उत्तरी अंटार्कटिका महासागर, स्वेज नहर। विश्व का प्रथम मानव निर्मित व्यस्तम जलमार्ग स्वेज नहर है। इसकी स्थापना 1859 में
फर्डिनेंड डी के द्वारा किया गया था और इसकी राष्ट्रीयकरण 1956 में कर दिया गया। सेवन नहर की लंबाई कुल है 193 किलोमीटर, 193 किलोमीटर लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 34, विश्व का सबसे चौड़ा जल मरुमध्य कौन सा है? पाक है, डेविस है, फ्लोरिडा है, जिब्राल्टर है। तो आपका आंसर है बी, डेविस है सबसे चौड़ा जल मरुमध्य है। क्वेश्चन नंबर 35, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है ना, ओ एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है गोबी, मंगोलिया। गोबी मरुस्थल कहाँ पे है? मंगोलिया में, मंगोलिया में है। अब विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल की बात करें तो सहारा, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। अटकामा कहाँ पे? अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना में का मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 36, अमेरिका का डेट्रियाट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? जूट उद्योग, वस्त्र उद्योग, इस्पात उद्योग, कार उद्योग। जो ये डेट्रियाट है ना, ये कार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37, मकर रेखा को कौन सा नदी दो बार काटती है? मकर रेखा को कौन सा नदी दो बार काटती है? लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी है ना, दो बार मकर रेखा को काटती है। इसकी लंबाई जो है लिम्पोपो को 1750 किलोमीटर है। कितना? 1750 किलोमीटर लिम्पोपो नदी का लंबाई है। कांगो नदी की लंबाई कितनी है? 4700 किलोमीटर है। नील नदी की लंबाई 6650 किलोमीटर का। अमेजोन नदी घाटी का सबसे लंबाई है 64 किलोमीटर है। एशिया का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है? एशिया का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? राजस्थान, आगरा, जैकबाद, जैकोबाद, तेहरान। तो ये ऑप्शन सी, जैकोबाद सबसे गर्म स्थल है। 40, अफ्रीका को उष्ण घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? बेल्ट, सवाना, पंपास, प्रियरी। तो उष्ण कटिबंधीय घास मैदान को तुम्हारा जाना जाता है सवाना, बी ऑप्शन नंबर बी सवाना। बोल्ड भी साउथ अफ्रीका का है, लेकिन शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। पंपास अर्जेंटीना का, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका का घास का मैदान है। 40, अलप्स पर्वत कहाँ पर स्थित है? एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। तो यह यूरोप महाद्वीप में अलप्स पर्वत स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41, पेट्रोनेस टावर कहाँ पर स्थित है? कुआलालंपुर, शिकागो, पेरिस, दुबई। तो यह कुआलालंपुर में स्थित है पेट्रोनेस टावर। क्वेश्चन नंबर 42, पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन मंडोवा, टेम्स, पोटोमैक, सीन। तो पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? पेरिस जो है ना, ये सीन नदी के तट पर स्थित है। टेम्स नदी के तट पे लंदन, लंदन शहर स्थित है, लंदन शहर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43, पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? ऑप्शन भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। पूर्व का मोती श्रीलंका को कहते हैं, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 44, नॉर्मेंडी बीच कहाँ पर स्थित है? जापान, श्रीलंका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। तो नॉर्मेंडी बीच जो है ना, फ्रांस में है। इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? पो नदी, सीन नदी, नील नदी, डेन्यूब नदी। पो नदी, पो नदी को इटली का गंगा कहते हैं। इसकी लंबाई है 652 किलोमीटर, पो नदी की लंबाई 652 किलोमीटर है। सीन नदी, ये फ्रांस की नदियाँ हैं, सीन नदी फ्रांस की, इसकी लंबाई 1777 किलोमीटर है। नील नदी तो बता दिए 1665 किलोमीटर है। भारत का, सॉरी विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो नील नदी है। क्वेश्चन नंबर 46, अफ्रीका का शीतोष्ण घास मैदान कहलाता है? पेरियरी है, सवाना, सेल्वास है, बेल्ड, बेल्ड कहलाता है।